हेलो बच्चों, आज एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के अकाउंट्स के। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। हमने ट्रांजेक्शन और इवेंट पहले भी समझ रखा है कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं। जो बिज़नेस में कोई भी लेन देन होता है उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, और इवेंट होता है जब हम 31 मार्च को सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा उनको मेजर करना, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करना जो हमने ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को रिकॉर्ड किया था कि वो कितना अमाउंट है, हाउ मच सेल्स, हाउ मच परचेजेस, हाउ मच एक्सपेंसेस। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्डिंग। आपने पहले उनको आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, अब उनको रिकॉर्ड कर लीजिए। जो भी कंसर्न उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, जैसे परचेजेस को परचेज बुक में, सेल्स को सेल्स बुक में, इस तरीके से उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब जो अकाउंट्स जो होते हैं उनके रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इस तरीके से उनके नेचर होते हैं, तो उनको उस एंगल से देखना कि वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है, उसको डिवाइड करना, तो उसको हम बोलते हैं क्लासीफाई करना। तो ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर समराइज़ करना, ये भी उसका एक फीचर है। जितना भी आपने ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनका टोटल करना। समराइज मतलब टोटल सम, टोटल सेल्स, टोटल परचेज, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, सबको सम करना। ये जो अब आपने सम किया है इससे आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो अब आप एनालाइज करोगे, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करोगे कि जो प्रॉफिट हुआ है इसका क्या रीज़न था, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्यों हुआ है, इसका एनालिसिस। और कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना मतलब इन्फॉर्म करना, किसको, इन्वेस्टर्स को, ओनर को, जो लेंडर्स हैं उनको भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना। बच्चों सेकंड चीज़ है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हम तीन टाइप के अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हम अभी पढ़ रहे थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, अब कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ज़रा कॉस्ट अकाउंटिंग, इट एसरटेन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करना, क्योंकि जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम कॉस्ट के बारे में नहीं कर रहे होते, हम ओवरऑल कर रहे होते हैं कितना सेल, कितना परचेज, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जो हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नैनो, नैनो का बन जाना इतना आसान नहीं था, और ये सिर्फ इंजीनियर्स का काम नहीं था, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट का भी रोल था, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट एंड इंजीनियर्स दोनों ने मिल के नैनो का आइडिया, जो सपना था वो साकार किया था। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ कंसर्न विद द जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट होता है उसे डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करती है अकाउंटिंग, उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। किसी भी बिजनेस में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं इनको अपने डिसीजन लेने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, वो जो कैलकुलेशंस होती हैं इनकी अपने अपने डिपार्टमेंट की, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग।